छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीक विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सबसे अत्याधुनिक जियोटिक लैब का उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति एम के वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सबसे अत्याधुनिक जियोटेक लैब के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि अब इससे बीएसपी और सीएसवीटीयू के बीच औद्योगिक एकेडमिक साझेदारी बढ़ेगी और छात्रों व कर्मियों को उन्नत औद्योगिक तकनीक का प्रशिक्षण तो मिलेगा ही, साथ ही विश्वविद्यालय को बीएसपी से कंसल्टेंसी कार्य सहित सीएसआर मद से विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस लैब के द्वारा सड़क, पुल, पुलिया, बांध, फ्लाईओवर, ब्रिज जैसे निर्माणों को लेकर जमीन की मजबूती का परीक्षण किया जा सकेगा। साथ ही ग्राउंड लेवल वाटर की चेकिंग, रिफिलिंग, डैम्स की कैपेसिटी और डेवलपमेंट प्लानिंग की प्रक्रियाओं पर बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी किया जा सकेगा। बीएसपी के निदेशक प्रभारी ने भविष्य में सीएसआर फंड से ट्रांजिस हॉस्टल बनाए जाने की बात भी कही है। नहीं, उस सब हम लोग इसका कर रहे हैं कि हमारे पास अभी सीएसवीटी को जो जितने भी हम मदद कर सकते हम तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या पूरे भारतवर्ष के विकास के लिए बहुत ही अत्यंत ही। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के साथ जो जो रिसर्च होने जो दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में थोड़ी कमी होती है, मेरे ख्याल से इंतहा नहीं होगी, तो यह बच्चे जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उसको भी सीख पाएंगे और उसमें हम इनके पार्टनर बनेंगे तो मैं बड़ी खुशी। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सबसे अत्याधुनिक जियोटेक लैब के शुभारंभ के साथ क्षेत्र के विकास में नई क्रांति आने की संभावना है, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र सहित यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी भरपूर लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।